अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 फरवरी 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। CBSE लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीटेट ऑफिशियल आंसर की के बारे में दोस्तों बातें होंगी। और दोस्तों देखिए, सीटेट की एक आंसर की काफी वायरल हो रही है, क्या है दोस्तों इसकी पूरी खबर, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी आंसर की आपके सामने दिख सकती है, इसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट देखिए, जो हमारी नई शिक्षक भर्ती आ रही थी उसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की जो तिथि रखी गई है 22/2/2021 से दोस्तों ये प्रारंभ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 22 फरवरी से आप लोग नई शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन की दोस्तों जो अंतिम तिथि है ना, वो 8 मार्च 2021 है। अगर दोस्तों 8 मार्च से पहले सीटेट का रिजल्ट नहीं आता तो आप लोग के लिए बुरी खबर होगी, ठीक है, फिर आप मौका, मतलब आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे क्या क्या अपडेट आ रही है और, ठीक है। तो आज दोस्तों ढेर सारी अपडेट है, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। 1894 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। फिलहाल दोस्तों बता दें, यहाँ से सबसे पहले डाउनलोड करें ऑफिशियल आंसर की। तो दोस्तों हमने आपके लिए कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से दोस्तों जैसे ही सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी होगी सबसे पहले इसको जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। रिजल्ट के लिए दोस्तों सिर्फ dlatresult.com। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग याद रखिएगा dlatresult.com। जी हाँ दोस्तों, सीटेट का रिजल्ट सबसे पहले आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और सीटेट पास छात्रों के लिए होगी बड़ी खुशखबरी। अगर आप दोस्तों इस बार सीटेट की परीक्षा पास कर रहे हैं, और एक बात और बता दें, सीटेट परीक्षा पास करने के साथ साथ अगर आपने पेपर 2 में पास किया है, ठीक है ना, सीटेट के आपने दोस्तों दो पेपर दे रखे होंगे, तो अगर दोस्तों आपने पेपर 2 पास किया है तो आपको जो ये भर्ती है 1894 शिक्षक भर्ती, आपको इसमें मौका मिलेगा। अगर दोस्तों आपने पेपर 2 का फॉर्म नहीं भरा था तो आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। नई शिक्षक भर्ती 2021 में मिलेगा तुरंत मौका। जो बच्चे पास करेंगे उनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है। और सोचिए दोस्तों, 11 अप्रैल को पेपर होगा और 11 मई को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 11 अप्रैल टू 11 मई, मतलब एक महीने में दोस्तों सब कुछ हो जाएगा अगले। तो बस आज हमारी तारीख वैसे फरवरी चल रही है, कहाँ ज़्यादा समय बचा आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। 2 से 3 महीने में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके हाथ में नौकरी होगी या नहीं होगी। एक और अपडेट आई थी, NIOS से DLED वालों को जोर का झटका लगा है। अब उत्तराखंड शासन में NIOS से DLED वालों प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं ले सकेंगे शामिल, ठीक है, हो सकेंगे शामिल, साधना देश निरस्त कर दिया गया। ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप NIOS से DLED कर रखे हैं और अगर आप दोस्तों उत्तराखंड में रहते हैं तो आपके लिए दोस्तों प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एक बुरी खबर है, इसको हम देखेंगे। एक और अपडेट आई आज, TET अब इंटर तक शिक्षकों की नियुक्ति का होगा, वो होगा मतलब अनिवार्य। गाइडलाइंस 31 मार्च तक आ जाएंगी। यूपी में TGT PGT आ सकता है दायरे में, NCTE ने जानकारी मांगी है, ठीक है ना, ये बड़ी अपडेट है। अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे TGT PGT शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन इसी माह होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, चयन बोर्ड ने शुरू कर दी है तैयारी। तो अगर आप BEd के छात्र हैं तो भैया आपके लिए फिर से एक खुशखबरी आ रही है। तो आपके पास TGT PGT का एक ऑप्शन होगा, उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के पास 1894 पदों पर भर्ती का ऑप्शन होगा। एक और सवाल दोस्तों यहाँ रहता है, बच्चे काफी कंफ्यूजन में कि जो 1894 पदों पर भर्ती आ रही है, क्या यहाँ पर DLED के छात्रों को मौका मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस बार जो ये भर्ती आ रही है इसमें DLED के भी छात्र ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो DLED के छात्र भी भाई कमर कस लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और चलिए एक एक करके आज की सारी अपडेट को देखते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जो रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन दिख रही है उसमें दोस्तों उंगली से टच करके सब्सक्राइब करिए। और चलिए दोस्तों अपडेट को जरा देखते हैं। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में ट्रेंड, ठीक है, ग्रेजुएट टीचर TGT और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन इसी माह जारी होगा। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ज्ञापन देने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को 7 सदस्यीय प्रतिमंडल, ठीक है ना, मतलब इनका प्रतिनिधि मंडल को बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने यह आश्वासन दिया है। छात्रों ने भर्ती के में मतलब प्रदर्शित शिक्षकों को 35 की जगह 20 अंक तक का ही 12 अंक दिए जाने की मांग भी की। इस पर अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि बोर्ड के समक्ष यह बिंदु विचार के लिए रखा जाएगा। प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले विक्की खान के नेतृत्व में छात्रों ने शुक्रवार को चयन बोर्ड के बाहर धरना दिया।
तकरीबन एक घंटे बाद 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात कराई गई। प्रतियोगी मोर्चा के पदाधिकारियों के मुताबिक अध्यक्ष ने तदर्थ शिक्षकों के सीट आवंटन के मसले पर कहा कि तदर्थ शिक्षकों द्वारा भरे गए फॉर्म की संख्या के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और इसे सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, जीव विज्ञान विषय की वर्ष 2011 की लिखित परीक्षा के परिणाम एवं जीव विज्ञान 2016 की लिखित परीक्षा की तिथि जल्द जारी करने का आश्वासन दिया। टीजीटी हिंदी का परिणाम भी जल्द जारी करने को कहा है। तो सोचिए कितना दोस्तों, पुरानी वैकेंसी भी लटकी रहती है। सोचिए 2011 की लिखित परीक्षा, 2016 की लिखित परीक्षा की बातें हो रही है, हिंदी का रिजल्ट नहीं आता, ये दोस्तों पूरा मैटर हो गया। एक और अपडेट आई थी, सभी छात्रों के लिए जरूरी है कि टेट अब दोस्तों इंटर तक के शिक्षकों की नियुक्ति का होगा अनिवार्य। ठीक है, गाइडलाइन 31 सरकारी, देखिए अपडेट क्या है। देश भर के स्कूलों में प्राइमरी से लेकर इंटर तक के शिक्षकों की नियुक्ति को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट इसी वर्ष लागू हो जाएगी। NCT ने 31 मार्च तक इंटर तक की TET गाइडलाइन तैयार करते हुए जारी कर देगी। अभी तक कक्षा 1 से लेकर 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक प्राइमरी जूनियर स्तर पर TET का ही प्रारूप निर्धारित है। वर्ष 2011 से CBSE और राज्य, ठीक है, TET करा रहे हैं। राज्यों से मांगा गया रिकॉर्ड, फिर तय होगा प्रारूप। NCT ने 12वीं तक के TET प्रारूप तैयार करने से पहले प्राथमिक उच्च प्राथमिक TET के डाटा का विश्लेषण करेगी। NCT ने राज्यों से टेट में पास छात्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पास प्रतिशत क्या है, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पास प्रतिशत का रिकॉर्ड मांगा है। BEd, MEd, DLEd और अन्य योग्यता के आधार पर शामिल छात्रों का डाटा भी देना होगा। चूंकि देखिए दोस्तों, पूर्व में TET पर अनेक राज्य एजेंसी और विभिन्न संगठनों से सवाल उठाए थे, ऐसे में NCTE इंटर तक TET के प्रारूप से पहले व्यापक स्तर पर विश्लेषण करेगी। जी हाँ दोस्तों, एनालाइज किया जाएगा, इतनी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ रही TET PGT इसके दायरे में आ सकता है। NCTE के 31 मार्च तक इंटर तक का 200 TET के गाइडलाइन देने के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित TET PGT का विज्ञापन इसके दायरे में आना तय है। अक्टूबर 2020 में सरकार ने विज्ञापन जारी किया था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। तब TET PGT दोनों ही टेट के दायरे में नहीं थे, लेकिन दोस्तों अब NCTE की 31 मार्च तक गाइडलाइंस देने के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में TET PGT के विज्ञापन में समय लग सकता है। फिलहाल दोस्तों, शासन 18 फरवरी से एडेड जूनियर स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, इसके लिए TET की पहले से व्यवस्था रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो आपने CTET में पेपर 2 दे रखा है वही बात हो रही है। NIOS से दोस्तों DLEd वालों को जोर का झटका लगा है, कि अपडेट क्या देखिए। एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है दोस्तों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले अब उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों की भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। शासन ने मंगलवार को इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया। जियो के निरस्त होने से मतलब समझा जा रहा है कि मार्च से बेसिक शिक्षकों के 2600 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE ने NIOS से DLEd करने वाले को मतलब बेसिक शिक्षकों की भर्ती में शामिल करने के लिए मान्यता दी थी, जिसके बाद उत्तराखंड शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया कि अब ये अभ्यर्थी दोस्तों वर्तमान में बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के पात्र होंगे। NIOS से DLEd को मतलब मान्यता दे दी गई है। प्रदेश के दोस्तों BEd, TET प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ ही DIET जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से 200 DLEd करने वालों ने शासन के इस आदेश का विरोध किया था, जो कि इस आदेश के जारी होने के बाद शिक्षा निदेशालय में धरने पर भी बैठे हैं। उनका कहना है कि दोस्तों सरकार उन्हें DLEd कराया है नियमित रूप से DIET में 2 साल का कोर्स पूरा करने के बाद, अब वर्तमान भर्ती में NIOS से DLEd वालों को भी मौका दिया जा रहा है। NIOS से DLEd करने वाले शिक्षकों, ठीक है, मतलब शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों क्या क्या मैटर फंस रहा है, ठीक है, मतलब देख रहे होंगे दोस्तों आजकल की छोटी छोटी बात पर दोस्तों मामला कोर्ट में चला जाता है, कब क्या निरस्त हो जाए भगवान जाने। तो आप लोग को दोस्तों देखिए, कभी भी जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर जो बच्चे BEd कर रखे हैं उनके लिए तो भी बहुत ही मतलब नहीं होता, गोल्डन चांस चल रहा है, अच्छे दिन उनके चल रहे हैं। अब DLEd वालों के बुरे दिन चल रहे हैं। देखिए DLEd में हो क्या रहा है ना, अगर आप दोस्तों DLEd करके बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको TET PGT में मौका मिले, तो दोस्तों आपको पता है कि आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप गुस्से में हो सकते हैं। लेकिन अगर आप BEd के छात्र हैं तो देखिए, पहले BEd में भी ये रूल नहीं था कि BEd वाले जो बच्चे हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में उनको मौका मिले, लेकिन दोस्तों योगी सरकार ने आके भैया पूरा नियम ही चेंज कर दिया। अब क्या है ना कि उनको भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका मिलता है BEd के छात्रों को,
तो इसलिए बच्चे बीएड वाले ज्यादा खुश हैं आज के डेट में। देखते हैं क्या क्या होता है। तो अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप ये देखिए, ये वैकेंसी आ रही है, अप्लाई आपको करना है 1894 पद। अब चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत में बात कर लेते हैं सीटेट रिजल्ट और सीटेट ऑफिशियल आंसर की, क्या है दोस्तों पूरा मामला। देखिए दोस्तों, देखिए ये दोस्तों हमारी सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए अभी तक यहाँ पर आंसर की को लेकर कुछ अपडेट ऑफिशियल तौर पर नहीं रखा गया है, सुबह तक की अपडेट है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपके सामने ये अपडेट दिख रही थी आंसर की ना, ये पुरानी वाली दोस्तों आंसर की को काफी जोर शोर से वायरल कर दिया गया, जिसके बाद बच्चे काफी परेशान हो गए, काफी हमारे पास भी मैसेजेस आने लगे कि आंसर की जारी हो गया, जिसको दोस्तों हाइड कर दिया जाता है। मैं आपके सामने सब कुछ रखा, फिर आपको लगेगा ये वाली आंसर की तो बिल्कुल सही लग रही है। ठीक है, ये दोस्तों पूरा मामला होता है। बाकी देखिए, जो आपकी नई भर्ती आ रही है उसको जरा आपको ध्यान में रखना है कि 22 फरवरी से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे, 8 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। अगर सीटेट का रिजल्ट 8 मार्च तक जारी नहीं होता तो फिर आपको मौका नहीं मिल पाएगा। तो गाइस, आपको लगना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी CBSE रिजल्ट जारी करके। वैसे सीटेट में इतनी देरी होती नहीं है आमतौर पर, लेकिन इस बार देरी देखने को मिल रही है। तो गाइस, बच्चे परेशान है, देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट आएगी आपके सामने रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये सब पूरा प्रोसेस होता रहेगा और लास्ट में दोस्तों देखिए 11/5/2021 को परीक्षा फल घोषित करने की तिथि है। ठीक है दोस्तों, ये तारीख बहुत जरूरी है, मतलब 11 मई को जैसे ही रिजल्ट क्लियर होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किन बच्चों को नौकरी मिलेगी, कौन से बच्चे शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। तो आपको गाइस लगना है सीटेट जो बच्चे पास होंगे उनके लिए शायद ही, देखिए होता है क्या ना, काफी बार आप सीटेट पास करके बैठे रहते, कोई नौकरी ही नहीं आती, लेकिन इस बार दोस्तों नौकरी की लाइन लगेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की वैकेंसियों पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपको बता दें यूपी में 50,000 से ज़्यादा पदों पर अभी वैकेंसी आने को बची है। जी हाँ दोस्तों, ये बात हो रही है प्राइमरी शिक्षक भर्ती। अगर आपने पेपर 1 पास कर लिया यूपी में सीटेट का, तो यूपी से क्या होता है, वैसे सीटेट का पेपर तो दोस्तों देश भर में मान्य होता है, अगर आपने सीटेट की परीक्षा पास कर लिया तो यूपी में 50,000 पद तो कन्फर्म है प्राइमरी में आने वाले, मतलब पेपर 1 के माध्यम से, पेपर 2 के माध्यम से 1894 पद है। ठीक है, आपको लग रहा है। बाकी दोस्तों रिजल्ट के लिए आप इस वेबसाइट पर देखिए, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, लेकिन एक बात और आपको क्लियर कर दे, जो हमारी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की है, अब ये किसी भी वक्त जारी हो सकती है, तो आप लोग नजर बनाए रखिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।